एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह में गंगा जमुना स्कूल विवाद के मामले के बाद अब जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से रवाना होकर गंगा जमुना दाल मिल पहुँच करके सहित अन्य कारोबारों पर छापामार कार्रवाई की गई। मालूम हो कि गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों के अन्य कारोबार पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई थी और उसके बाद अब जिला प्रशासन की कई टीमों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से प्रस्थान करते हुए गंगा जमुना के अन्य कारोबारों के ठिकानों पर पहुंच करके छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दमोह के SDM गगन विसैन के साथ आयकर GST सहित अन्य विभागों की टीमें यहां पर उपस्थित रहीं और सभी के द्वारा यहां पर विभिन्न मामलों में कार्रवाई की गई। साथ ही अन्य ठिकानों पर भी यह कार्रवाई जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन न्यूज़। तो नहीं है आगे दूर ये पूरा पहले चेक पूरा पूरा चेक करो एक बार आके तब देख लो उसके बाद क्या कार्रवाई किया? हम लोग स्टेट GST से हैं, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, उमेश त्रिपाठी सागर असिस्टेंट कमिश्नर हूं। तो ये पल्सेस में हम लोग कार्रवाई करने आए हैं। इसमें हम सेल परिचय देखेंगे, इनका मंडी से क्या खरीदी करते हैं, क्या बिक्री दिखा रहे हैं, उस पर टैक्स वगैरह बन रहा है, जमा कर रहे हैं कि नहीं। तो अभी हम लोग इंटर किए हैं, इनको अपना पावर दिखा के साइन करा लिए हैं। इनके प्रोपराइटर जो हैं वो नहीं है, अभी देखते हैं अगर आ जाएंगे ठीक है, नहीं जो भी है उनके आधार पर अपन कार्रवाई करेंगे। तो किस क्या क्या शिकायतें मिल सकते हैं? तो अब इसमें यही शिकायतें हैं कि इनके द्वारा गड़बड़ियां की जा रही हैं, वही देखने आए हैं। अभी तो शुरुआत ही हुई, अभी तो हम लोग आए नहीं, नहीं अभी हम लोग तो यही आए हैं। अभी तो ये गंगा जमुना पल्सेस में ही हमको पावर मिला, तो हमारी टीम तो यही आई है, बाकी और टीमें जहाँ हो अपने को ये यहाँ तो हम लोग सेल्स टैक्स के आए हैं। इसके साथ माइन उसके फूड के भी हैं और आपके लेबर के हैं, मंडी के हैं, बाकी लोग भी प्रशासन है। कब तक चलेगी? अब ये तो नहीं कर सकते, अब रिकॉर्ड देखने के बाद ही पता चलेगा। किस नाम से? ये गंगा जमुना पल्सेस। कितने